आखिर वो कौन है? कोई जाति नहीं, न कोई धर्म, डर कुछ ऐसा था जिसे वे कभी नहीं जानते थे। आंखें जो सांस के अलावा कुछ नहीं जानती थीं, पहली बार के लिए डर से भर गए थे। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत लंबी कहानी है, यह खून से लिखी लाल सागर की कहानी है, यह हमारे प्रिय देवरा की कहानी है। वो सब जो एक आदमी को चाहिए जीने के लिए पर्याप्त सांस है, मरने की हिम्मत नहीं। अरे तुम मेरी बात की अवहेलना करोगे और कभी भी उस सांस को इकट्ठा करना चाहते हो तो मैं उस सांस को मारकर आतंकवादी बन जाऊंगा। जब तक तुम्हारा अस्तित्व है यह पर्वत आज्ञा का पालन करेगा, केवल आपका आदेश देवरा। देवरा को मारने के लिए सिर्फ सही समय नहीं, हमें सही हथियार भी ढूंढना होगा। वह हमेशा इतना भोला और डरपोक रहता है, मैं उसके साथ कैसे मिल सकता हूँ? क्या आप मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं? आप क्या कह रहे हो? वे मुझे मार डालेंगे। मैं सिर्फ अपने पिता की शक्ल मिलती थी, उसका साहस नहीं। यदि वह नौकरी पर था जिसे उसने छोड़ा था, यह पूरा हो जाने पर वह वापस आ जाएगा। आपका बेटा जिद्दी होने के कारण चला गया। 2 साल हो गए जब से देवरा समुद्र में चला गया। मेरी आंखें बंद हो या खुली हो, मैंने समुद्र में जो देखा उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। यदि तुम भय भूलकर समुद्र में चले जाओ, आपकी टेढ़ी मेढ़ी नौकरियों पर फिर से मैं बनना चाहता हूँ। आज से एक अदृश्य डर।